नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं चावल पर विशेष। जी हां, आज चावल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। श्री लाल महल ग्रुप के चेयरमैन और साथ ही IREF यानी कि इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर प्रेम गर्ग, वो आज हमारे साथ इस समय पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस साल चावल का भविष्य क्या रहने वाला है, क्या बीते जो दो साल थे चावल के अंदर में काफ़ी बेहतरीन रहे, क्या तीसरा साल हैट्रिक मारेगा या यहाँ पर विकेट उड़ती हुई नजर आएगी। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय पर मौजूद डॉक्टर प्रेम गर्ग। गर्ग साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, बीते दो साल चावल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे गए। कोरोना के समय पर ऐसा लग रहा था कि चावल इंडस्ट्री शायद ख़त्म सी हो गई और पता नहीं इस जंजाल से निकल पाएगी, उबर पाएगी या नहीं उबर पाएगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो डिमांड निकल कर के आई, फूड सिक्योरिटी को लेकर के जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज आई, उसने कहीं ना कहीं चावल इंडस्ट्री का हाथ थाम लिया और वो उस दलदल से बाहर निकल आए। लेकिन क्या तीसरा साल भी ऐसा रहेगा? पहला नवरात्र है, पहले तो सबको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे हिंदू नववर्ष की। देखिए, कोरोना के टाइम पर जो आपका क्वेश्चन है कि भी ये लग रहा था कि भाई ये इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कोरोना के टाइम तो सब कुछ लग रहा था कि पूरी दुनिया ही शायद ख़त्म ना हो जाए, पर ऐसा विधाता ने किया नहीं कभी भी, और विधाता ने अपने हाथ में बहुत कमांड रखी है और उससे उभार दिया। और मेन हमारी गवर्नमेंट ने जो कोरोना के टाइम पर एक स्टेप लिए, आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इसका श्रेय गया है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स लगाई गई, सबसे ज़्यादा हेल्प की गई गवर्नमेंट की तरफ से पूरे भारत के लोगों के लिए, और लोगों को उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी खाने पीने की, तो हमारी गवर्नमेंट ने इतनी हेल्प की है उस दौरान के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कह दीजिए भारत के अंदर, कहिए किसी एक आदमी को भी हमने नहीं ऑब्जर्व किया कि कोई भूख से रहा हो जी। उस दौरान पे चावल और दाल दो चीज़ें ऐसी थी, स्टेबल फूड हैं जो भरपूर हर आदमी की पहुंच तक, यदि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी है, कोई गांव में रहने वाला आदमी है, तो उस तक भी पहुंचे काफ़ी संस्थाओं ने मिलके। और गवर्नमेंट के लेवल पर हमने तो देखा, पुलिस ने अपनी जीपों में भर भर के, हमारी जो संस्था है खुद, हम लोग अपने ग्रुप की तरफ से राइस का कोरोना के टाइम के ऊपर बना करके पैकेट डेली के, समझिए कोई 50,000 पैकेट हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो पुलिस की वैनें आती थी, भर कर ले जाती थी गांव, अपने गांव के अंदर या आसपास के इलाकों में, छोटे इलाकों में लोगों को पहुँचाते थे, जिससे कि कोई भी तकलीफ वाला इसको ना रहे। तो हम ये कहेंगे कि एक हिंदुस्तान की और भारत की जो पॉलिसियाँ हैं वो ऐसी है कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जी। जिसके अंदर इन छोटी मोटी चीज़ों से या कोई भी आपदाओं से इसको लड़ाई करने के लिए, और हमारे जो नेता हैं आज, हमारे मैं कहूँगा मोदी जी हैं, इन्होंने जो अपनी पॉलिसियाँ चलाई हैं, इतनी काबिल पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे को किसी तरह की भी तकलीफ कंट्री में नहीं आएगी और भारत आगे बढ़ता जाएगा। जैसा उनका विजन है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का, मेरा मानना है कि इसको हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। एज नेशनल फेडरेशन के बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो फेडरेशन है आज, इसके लगभग 7,000 प्लस मेंबर्स कंपनियां हैं पूरे हिंदुस्तान की, 14 स्टेट में इसके ऑफिस हैं। और हम जो राइस के ऊपर अब आते हैं कि राइस का जो पिछले 2 साल बहुत अच्छे रहे, दो नहीं, हमारे राइस के ये तीसरा साल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स क्वांटिटी कम होंगी, पिछले कुछ सालों में आपने देखा 21 मिलियन 22 मिलियन टन का हम टोटल एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें लगभग 5 मिलियन टन बासमती राइस, बाकी वाइट राइस और पारबॉइल्ड राइस जी। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ कोई स्टॉक्स कम ना हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अनाज
एक एक गरीब आदमी तक पहुंचाने के लिए फ्री पॉलिसियां निकाली, जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्केल के अंदर राइस वगैरह बांटा गया जी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे अपने स्टॉक्स कहीं भी कम हो, तो इसलिए करके गवर्नमेंट ने वाइट राइस के ऊपर पाबंदियां लगाई। और पाबंदियां लगाने के बाद इवन पूरी पाबंदी नहीं है, आज भी लगभग 2.5 मिलियन टन का स्पेशल कोटा गवर्नमेंट ने दिया, जिसको NCEL के थ्रू एक्सपोर्ट डिफरेंट अबाउट 16-17 कंट्री को किया जा रहा है। जिन जिन कंट्रियों ने एक अपनी रिक्वेस्ट डाली गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ राइस की रिक्वायरमेंट है या कुछ है, तो उसको गवर्नमेंट फुलफिल कर रही है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर हमारा राइस का वॉल्यूम लगभग 6 से 7 मिलियन टन ऑब्जर्व करते हैं, कम होगा पहले से, पर ओवरऑल राइस के ट्रेड के अंदर सभी राइस के एक्सपोर्ट को काम मिल रहा है। जैसे प्राइस की बातें करें, कुछ प्राइस इस साल कम जरूर रहेंगे, और व्यापार के अंदर यदि मार्केट स्टेबल रहे और एक बिल्कुल लेवल के अंदर चलती रहे, तो उसके अंदर व्यापारी आदमी हमेशा पैसा कमाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक रेगुलर काम करने की आदत होती है सभी को, एक मिनिमम मार्जिन के ऊपर, छोटे मार्जिन के व्यापारी लोग जितने राइस के एक्सपोर्ट करने वाले हैं या डोमेस्टिक काम करने वाले हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे गवर्नमेंट ने एक भारत राइस निकाला, 6 फरवरी को लॉन्च किया, जो आज पूरे हिंदुस्तान के 25 प्लस स्टेट्स के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। 29 रुपए के अंदर वो चावल गवर्नमेंट दे रही है, जो मार्केट के अंदर 40-45 रुपए किलो मिनिमम बिकता था जी। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जाने की वजह से मार्केट में प्राइसेस नीचे आए हैं। कुछ प्राइसेस जो आज जो रॉ मटेरियल वाइट राइस जिसको बोलेंगे 34-35 रुपीज़ तक होलसेल मार्केट में जाने लगे थे, कंज्यूमर को 40-45 रुपये मिलने लगा था, आज वो 29 रुपये में उसको मिल रहा है। आज उसी की वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर है, नॉर्मल रॉ मटेरियल जो राइस का बोलेंगे 25% ब्रोकन राइस, जिससे कि ये सब ये प्रोसेस करके बनाया जाता है, आज उसकी मार्केट के प्राइसेस घटकर बाजार में 28 रुपये आ चुके हैं, जो कि कम से कम 20% की मार्केट डाउन आया है प्राइसेस के अंदर। और व्यापार तो चलते रहेंगे, उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलेगा। और बासमती राइस में जैसे आप बात करें कि 11-21, तो 11-21 के अंदर हर साल थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर आता है, पर बासमती राइस का एक्सपोर्ट हम पूरी कंट्री के लिए, हमें पूरा भरपूर भरोसा है कि हमारी राइस की जितनी कम्युनिटी है पूरा इसको मेहनत करती है और सबका योगदान है इसमें पूरी इंडस्ट्री का, और पूरी इंडस्ट्री वाले पूरी मार्केटिंग करते हैं वर्ल्ड के अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि बासमती राइस एक हमारा एक नायाब तोहफा है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 या 3 कंट्री हैं जो बासमती राइस को पैदा करती हैं, जिसके अंदर मेन पूरे वर्ल्ड का 90% सिर्फ भारत के अंदर पैदावार की जाती है। तो इसके फिक्स बायर्स हैं, फिक्स कंज्यूमर्स हैं, डे बाय डे हर साल 2-3% की मार्केट शेयर इसमें बढ़ता ही है, तो उसके हिसाब से हम पिछले साल से बासमती राइस की ग्रोथ कुछ बेटर कर पाएंगे जी। इसमें आपने 2-3 चीज़ें मुख्य कही। पहले कहा आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर में राइस का कितना प्रतिशत योगदान, एक सवाल। दूसरा, चूंकि क्या आपको लगता है कि उस शिद्दत से राइस इंडस्ट्री इसके बीच के अंदर में कोई योगदान दे पाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट पे जिस तरीके से बैन है। दूसरा, सभी गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि जो चावल का जो प्रोडक्शन है उसको किसी तरीके से कम किया जाए, क्योंकि उसके काफ़ी परिणाम जो हैं विपरीत परिणाम वो देखने को मिल रहे हैं। ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसकी समस्या पैदा हो रही है। दूसरा, जो आपका पैड़ी निकालने के बाद में जो उसका फूसा बचता है वो एक बड़ी ज्वलंत एक विपत्ति है, हालांकि उसको दूर करने के लिए कई तरीके की मशीनरीज और कई तरीके के इसके बीच में शोध हुए हैं और उसका उसके ऊपर पे काम भी चल रहा है, लेकिन पराली का जलाना और पराली से पोल्यूशन का होना वो एक दूसरी समस्या है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और तीसरी इसके बीच में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि एक्सपोर्टर कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि गवर्नमेंट उसको पता नहीं किस नज़र से देखती है। ये कई एक्सपोर्टर्स की कहानी है, वो ये कहते हैं यार हम एक्सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं तो गवर्नमेंट समझती है पता नहीं कहाँ पे डकैती मार रहे हैं ये। तो इस तरीके की जो नैरेटिव्स हैं चावल इंडस्ट्री को लेकर के और सरकार का जो रवैया थोड़ा सा सख्त राइस इंडस्ट्री को लेकर के है, उसको किस नज़र से आप देखते हैं?
देखिए गवर्नमेंट का हमेशा से एक नजरिया या गवर्नमेंट नौकर साज का नजरिया हमेशा व्यापारी के प्रति ये रहा है कि व्यापारी शायद बहुत ही फिनोमिनल प्रॉफिट कमा रहा है, पर ऐसा नहीं है जी। मैं ये कहूँगा कि राइस इंडस्ट्री के अंदर कि राइस इंडस्ट्री के जितने लोग हैं सब बड़े दिल वाले लोग हैं और राइस इंडस्ट्री के लोग बड़े खुले दिल से काम करते हैं। यदि उसके पास 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो उसको दुनिया के अंदर वो बड़े गर्व से उसको 20 रुपये का प्रॉफिट ही गिनाता है लोगों को। इसकी वजह से एक ये मान लीजिए कि जैसे आप देखेंगे हर आदमी ये कहेगा राइस का करने वाला कि मैं तो हिंदुस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्टर हूँ या नंबर 2 एक्सपोर्टर हूँ, नंबर 3 एक्सपोर्टर हूँ। नंबर्स की गेम हमें नहीं करनी चाहिए और ये हमें अपना शो ऑफ का बिजनेस नहीं है। जो रियलिटी है कि एक चावल एक वो है अन्नपूर्णा, तो आप ये देखें कि हिंदू धर्म के अंदर भी कहा गया है या किसी भी धर्म में कहा गया है किसी को अन्न और पानी देना सबसे धर्म का काम है। चावल जो है एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको बगैर खाए हुए या बगैर इंसान के लिए इससे बढ़िया कोई पाचन क्रिया के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको खिचड़ी बनानी है बीमारी के अंदर तो तब चावल चाहिए। नॉर्मल में स्टेबल फूड चाहिए तो राइस एक सबसे बेस्ट फूड है। तो ये सब होते हुए तो राइस इंडस्ट्री वालों को तो बिल्कुल गर्व होना ही चाहिए कि हम राइस से जुड़े हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं और इसके साथ में लोगों को रोजगार बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है राइस इंडस्ट्री से, क्योंकि सैकड़ों लोग खेती बाड़ी के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा मैन पावर यूज होती है। जैसे एनवायरनमेंट की बात हम करें वाटर के ऊपर, पानी जरूर पानी इसमें ज़्यादा लगता है, पर उसके दूसरा पहलू भी है कि वो पानी जब खड़ा होता है खेतों के अंदर ये भाप बनकर उड़ता है जिंगे जिंगे। अदरवाइज यही पानी आज के दिन, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जल्दी ही वो सारी नदियों को जोड़ने की बातें हो रही हैं और पूरे वर्ल्ड के हिंदुस्तान की नदियों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये जो नदियों का पानी है वो समुन्द्र के अंदर जाकर वेस्ट ना हो जाए, तो ये जब जुड़ जाएगा तो उसके बाद इसका असर जरूर बहुत अच्छा मिलना चाहिए। परिणाम जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो लगता है कुछ सोचकर ये पॉलिसी बनाई जा रही होगी। तो ये आज के दिन यदि राइस इंडस्ट्री या राइस के फार्मर्स इस काम को, जो लाखों करोड़ों किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि किसानों की बहुत सारी एसोसिएशंस हमारी फेडरेशन की मेंबर हैं, सो जिसके अंदर एक एक एसोसिएशन के अंदर आप किसी में 50,000 किसी में 25,000 किसी में लाख किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब वो जब हम लोग उनके साथ बैठते हैं तो उसके साथ पूरा प्रोसेस रहता है, या आज मैं भी अपने आप से एक फार्मर रहा हूँ और आज भी हम फार्मिंग करते हैं सिंबॉलिक तरीके से कुछ 500-700 एकड़ के अंदर, तो उसके अंदर पानी जब रोका जाता है वो पानी भाप बनकर उड़ेगा क्योंकि एक एक महीना दो दो महीना डेढ़ महीना पानी खड़ा रहता है खेत के अंदर, और ये पानी होता है जब बारिश जो ऊपर से गिरती है उसका पानी रखने के लिए वो धीरे धीरे मिट्टी अपने उसको सोख लेती है। और तो ये मेरे को नहीं लगता कि भी इससे पानी के एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा लॉस होता है, इसका डबल बेनिफिट है क्योंकि इससे फिर हमारे को बारिश होने में और होने में, क्योंकि जहाँ भी राइस की खेती होती है आप देखेंगे उस इलाके के अंदर या उसके आसपास में हमेशा बारिशें बहुत अच्छी ही होती हैं। बारिश से यहाँ पर मेरे को एक सवाल है, इस साल का जो मॉनसून है, चूँकि क्लाइमेट चेंज बड़ी तेज़ी के साथ बदला है, गर्मी आप अभी देख ही रहे हैं, 37 डिग्री टेम्परेचर कल का था और अब ऐसा लग रहा है कि जो टेम्परेचर है वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है और 50 प्लस हो सकता है कि उत्तरी भारत के अंदर में देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है, चूंकि क्रॉप का भी सीजन अभी अप्रैल एंड से स्टार्ट हो जाएगा, सोइंग शुरू हो जाएगी मई के स्टार्टिंग से या मई एंड होते होते जून तक सोइंग भी हो जाएगी, और वही जो पीरियड होगा वो पीरियड बड़ा हीट वाला पीरियड होगा, ऐसे में इस साल फसल के ऊपर आप क्या प्रभाव देखते हो? दूसरा, इसका जो प्रभाव है वो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देखते हो या सिर्फ डोमेस्टिक ही उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? नहीं, इसका ये अल नीनो ईयर है जी, जो हर 7 साल के बाद रिपीट होता है। अच्छा। तो 7 साल के बाद जब रिपीट होता है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज आता है, जहाँ बारिशें ज्यादा होती है वहाँ कम होंगी गर्मी, जहाँ ज्यादा होती है वहाँ कम गर्मी होगी, जहाँ सर्दी ज्यादा होती है वहाँ गर्माव होगा। आपने देखा होगा जैसे पेरिस के बारे में, फ्रांस के बारे में सुनते थे, कभी वहां पर एसी नहीं थे लोगों के घरों में, ये क्लाइमेट चेंज का ही फर्क
चर्क है जो कि वहाँ पर आज पंखे बिकने लगे हैं, इवन एयर कंडीशन बिकने लगे हैं यूरोप के अंदर, जो कि कभी पिछले 500 सालों में कभी देखा नहीं गया। तो ये क्लाइमेट चेंज है जो कुदरत का नियम है, जो बदलता है, पृथ्वी घूमती है, उसका क्लाइमेट भी चेंज होता है। तो इस बार क्लाइमेट चेंज आप क्या देख रहे हैं और इसका पैडी के ऊपर और राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट? देखिए ये तो एक मीडिया का वो है, क्योंकि अवेयरनेस मीडिया की वजह से बहुत आई है लोगों के अंदर। अदरवाइज गर्मी तो पहले भी होती थी, 50 डिग्री भी कई इलाकों में हमेशा 52 डिग्री तक जाता है राजस्थान में या कुछ इलाकों में, या नॉर्थ में देखें आप पंजाब हरियाणा 48-49 तो नॉर्मली चला ही जाता है कुछ टाइम के लिए, बीच में एक दो दिन के लिए। बट इस साल भी वही लेवल पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होगा। होगा कुदरत सामने ऊपर वाला है, बारिश होगी वापस टेम्परेचर नीचे गिरेगा। इसका असर जो हम राइस के ऊपर सोचते हैं कि आने वाली क्रॉप मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा बेटर होगी। अच्छा, और किसी तरह की हमारे देश के अंदर कोई शॉर्टेज राइस की नहीं होगी और पानी की भी कोई मुझे नहीं लगता पर्सनली कि किसी तरह की शॉर्टेज होने वाली है। प्राइस को आप कैसा देखते हैं, अगर हम ग्लोबली इस समय का सिनेरियो देखें तो प्राइस को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? और इस समय पर 11-21 और बासमती के प्राइजेस थोड़े से फिसले हैं, नॉन बासमती आपने जैसा बताया कि 28 रुपये पर आ गया है 32 रुपये से फिसल करके, क्या ये माने कि जो सरकार की जो अभी स्कीम चल रही है भारत अन्न की जो स्कीम चल रही है, उस स्कीम के चलते राइस वालों को इस बार बहुत बेहतरीन दाम नहीं मिलने वाले, क्या ये माना जाए? देखिए गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं तो प्राइवेट आदमी या प्राइवेट ट्रेडर ही जुड़ा हुआ है। सप्लाई देने वाले तो हम लोग ही हैं, और यदि आज गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी निकली है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हम हिस्सा हैं, और उसमें ऑर्गेनाइज वे से गवर्नमेंट ने जो भी दाम कम किए और उसको लोगों तक सस्ते में राशन पहुँचे वो पॉलिसी निकाली, तो उसका बेनिफिट एक आम आदमी को निकलता है पर व्यापारी को तो पैसा पूरा मिलता ही है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से भरपाई करती है, गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स हैं और गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसियाँ जो हैं उसके लिए यदि फूड के ऊपर, क्योंकि हम लोगों का देखा जाए तो टोटल बजट किसी भी एक आम आदमी का 5% ऊपर में लेकर और नीचे में 2% इनकम के हिसाब से, उससे ऊपर का किसी का फूड का बजट महीने का नहीं होता है, बाकी तो खर्चे दूसरे ही होते हैं। तो इसके अंदर मेरे को नहीं लगता है कि फूड की वजह से बहुत ज़्यादा किसी को फर्क पड़ेगा। एक जो समस्या इस समय पर मिलर्स जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट से जो नोटिसेस मिलर्स को पहुंच रहे हैं, वो एक्सपोर्टर्स को जो नोटिस गए हैं वो ये है कि जो ड्यूटी चार्जेस हैं प्लस उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, एक डिफरेंस और एक लगने वाला इंटरेस्ट, वो जो मैकेनिज्म है वो गड़बड़ाया क्यों और दो साल के बाद अब सरकार क्यों जाग रही, पहला सवाल। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल कि जो मिलर्स हैं उनका ये कहना है कि जी हमने तो बायर्स को माल डिलीवर कर दिया, उनसे पेमेंट भी ले ली, और जो ड्यूटी आप डिमांड कर रहे हो वो ड्यूटी अब हम बायर से कैसे डिमांड करें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम माल डिलीवर कर चुके हैं और उनसे पैसा भी आ चुका है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर ये मुद्दा इसी तरीके से रहेगा और ये खामियाजा जो है मिलर्स को भुगतना पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स को भुगतना पड़ेगा? देखिए जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी है जी, उसके ऊपर एक कैलकुलेशन का फर्क है। जिन भी एक्सपोर्टर्स ने अपनी ड्यूटी की कैलकुलेशन प्रॉपर वे से की थी, गवर्नमेंट का जो मानना है या इसको कैलकुलेशन हम करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक IRF की पूरी टीम संजीव अग्रवाल जी से मिली थी, CBIC चेयरमैन है नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, हम उनसे मिले, उनको एक्सप्लेन किया, पर उनकी भी जो सामने से उन्होंने हमें बताया और वही वर्जन हमारा भी था, उनके साथ में हम कुछ एग्री करते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स ने कैलकुलेशन की कि एक्सपोर्ट के लिए करने के टाइम के ऊपर FOB प्राइस एक निकाला, ड्यूटी को अलग रख दिया, अब बायर से ड्यूटी का पैसा अलग से मंगाया, ऐसा नहीं होगा। जिस भी एक्सपोर्टर्स ने, जैसे आज मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ, हमारे ग्रुप ने भी एक्सपोर्ट किया, तो उसके अंदर पूरी ड्यूटी जैसे $400 FOB में बेचा, इंक्लूडिंग ड्यूटी बेचा उसको हम लोगों ने जी, ठीक है। तो ड्यूटी उसी के ऊपर पे की,
यदि आज हम कैलकुलेशन करेंगे, नहीं ड्यूटी का पैसा हम बाहर से $500 के अंदर बेच रहे हैं और ड्यूटी का $100 बनता है, उसको $100 को हम अलग से मंगाएंगे और $400 के ऊपर कैलकुलेट करके इधर गवर्नमेंट को हम $80 की ड्यूटी पे कर देंगे, तो वो कैलकुलेशन गलत है। तो मेरा ये मानना है कि सबको जो ड्यूटी है, जो FOB वैल्यू प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी को ही जोड़कर FOB वैल्यू से देखा जाए और उसके ऊपर पे की जाए। हमारी संजीव अग्रवाल जी साहब से बात हुई, उन्होंने एग्री किया कि जिनको भी नोटिस गए हैं हम उनसे पेनल्टियां कोई चार्ज नहीं करेंगे, आपके IRF की तरफ से आप आए हैं तो हम इसके ऊपर सिर्फ वो ड्यूटी जो बनती है प्लस इंटरेस्ट उसको पे कर दें, हम उसको केस को क्लियर कर देंगे। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो FOB है उसकी जो कैलकुलेशन है वो फॉर्मूले के अंदर में कुछ जो मिलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप से इसको कैलकुलेट किया है, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट कर रही है, लेकिन अब जिन मिलर्स के पास में ये नोटिस जा रहे हैं क्या उनको वो डिफरेंस पे करना पड़ेगा? देखिए ये तो डिफरेंस पे करना ही पड़ेगा और ये जितने टाइमली इसको पे कर दें उतना ही अच्छा है ट्रेड के लिए, अदरवाइज बाद में इसके ऊपर पेनल्टियां भी देनी पड़ सकती हैं और इसके अंदर और डिले की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मुझे लगता है कि हमारी फेडरेशन का भी यही स्टैंड है, इसके लिए हमने एक पूरे 3 पेज की एडवाइजरी भी जारी की, अपने सभी मेंबर्स को भी भेजी है कि किसके हिसाब से आपको ड्यूटी पे करनी चाहिए। इस साल किसानों को क्या अच्छे दाम मिलेंगे जो पहले 2 साल लगातार मिलते रहे हैं, क्योंकि प्राइस डाउन है, इस प्राइस डाउन के अंदर में एक किसान को भी ये उम्मीद रहती है कि यार जो ऐसे पिछले 2 साल हमारे अच्छे प्राइजेज मिले, कुछ पैडीज 5,000 रुपये के भी आसपास बिकी, तो क्या इस साल ऐसा कुछ माहौल देखने को मिलेगा 11, 21, 1500 के किसानों के लिए पर्टिकुलर? देखिए हम बात करें ओवरऑल सभी राइसों की, खाली पर्टिकुलर 2 वेराइटी की बात ना करें जी। तो मैं दोनों तीनों पर आता हूँ आपके साथ कि नॉन बासमती राइस की MSP गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी की है जी, जिसको यदि आज के दिन गवर्नमेंट के जो MSP के हिसाब से किसान, क्योंकि ओवरऑल उससे रेट तो कम बिकेगा नहीं जो कि गवर्नमेंट की MSP है, तो MSP के ऊपर गवर्नमेंट भरपूर लेने के लिए तैयार है हर जगह के ऊपर, और उसके ऊपर यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो किसान को नुकसान नहीं है, बेनिफिट है और उसको अपनी क्रॉप के पूरे दाम मिलते हैं जिससे कि उसकी लागत भी निकलती है और उसके अंदर उसको अलग से प्रॉफिट भी है। इसी तरह हम बात करते हैं 11-21 और 15-09 और अदर वेराइटीज़, तो उसके अंदर भी मुझे नहीं लगता किसी हालत में भी मार्केट नीचे आएंगी और सभी को किसानों को उसके अच्छे दाम मिलेंगे। मेरा बस एक ही निवेदन है किसानों के साथ में कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पेस्टिसाइड के ऊपर काफ़ी जोर है कि वो पेस्टिसाइड बगैर यूज किया हुआ राइस एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे यूरोप, US या डिफरेंट मिडिल ईस्ट के अंदर भी उनको बेनिफिट मिलता है और पाकिस्तान के राइस की इवन चेकिंग तक नहीं है। तो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, जो ट्राइकोजोल वगैरह जिसके अंदर फेलियर हमारी सबसे ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है एज ए फेडरेशन ये सारे पेस्टिसाइड इमीडिएटली बैन कर दिए जाएँ, इससे ह्यूमनिटी के लिए भी नुकसान है, हमारे जो किसान भाई हैं उनको नुकसान होता है क्योंकि जब वो छिड़काव करते हैं उसका तो उनकी भी हेल्थ के ऊपर उसका विपरीत असर पड़ता है, दूसरा खाने के अंदर भी इन केमिकल्स का बहुत भारी नुकसान होता है और इसकी वजह से हम अपनी कुछ मार्केट्स को लूज करते जा रहे हैं या काफ़ी रिजेक्शन आते हैं। कितने भी हम प्रिकॉशन कर लें जमीन के अंदर, एक दूसरे के खेतों के अंदर भी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के पास जो ये पेस्टिसाइड फ्री राइस को करें पर आपस में पानी बहकर चला जाता है, उसमें दवाइयाँ और ये मेडिसिन केमिकल सब पास ऑन हो जाते हैं, तो आपस में मिल जाते हैं मंडी के अंदर, वो राइस आता है आपस में मिक्स होती हैं ढेरियाँ, तो उसका एक फ़र्क पड़ता ही है। तो गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन पेस्टिसाइड को इमीडिएटली रोका जाए और जितने भी हैं ऑर्गेनिक किस्म के पेस्टिसाइड को योजना करके उनको नीम के छिड़काव हैं दूसरे हैं इनको करके और इसको हमारी राइस की क्रॉप को किया, जैसे हमारा वर्ल्ड के अंदर नाम होगा, थोड़ा क्रॉप के अंदर कमी आएगी पर उसका हमें प्राइस के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा।
राइस इंडस्ट्री उसको करने के लिए तैयार है। यदि हमारा राइस पेस्टिसाइड फ्री हो जाएगा तो हम वर्ल्ड के अंदर बहुत और अच्छे तरीके से हर जगह अपने राइस को कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इसको लेकर के हालांकि मार्केट टाइम्स टीवी ने भी 2 साल पहले एक कैंपेन चलाया था, काफ़ी गांवों के अंदर में हम लोग गए थे। और क्या लगता है आपको, जो बासमती की जो आपकी मार्केट शेयर थी इंटरनेशनल बाज़ार के अंदर में, और जो तकरीबन यूएस ने काफ़ी उसके ऊपर पे कब्जा किया, क्या उसको वापस किसी तरीके से लेने की कोई कवायद, राइस इंडस्ट्री इसको लेकर के क्या कोई मंथन कर रही है कि जो जमीन खिसकी बासमती राइस की मार्केट शेयर जो खिसका और जिसके ऊपर अमेरिका ने अपना कब्जा किया, उसको लेकर के कुछ प्लानिंग है? देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि अमेरिका ने कोई अपना कब्जा किया बासमती राइस के ऊपर, क्योंकि बासमती राइस ने पहले ट्राई किया टैक्सामती और या रजिस्टर्ड कराने के लिए, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। एक मैंने आपको जैसे पहले बोला कि भी बासमती राइस ये गवर्नमेंट अपने गोड़ का ऊपर वाले का ईश्वर का गोड़ गिफ्ट है ये हमारे कंट्री के लिए, भारत के लिए, क्योंकि ये बासमती राइस इस तरह की नायाब क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पैदा नहीं होती है। और इवन कहाँ पर बासमती राइस पैदा होता है दूसरी कंट्री हमारे कंपटीशन कंट्रीज के अंदर, फिर भी उनकी क्वालिटी वैसी नहीं है जो हम लोग कर लेते हैं। हमारे यहाँ लेटेस्ट प्लांट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, सिर्फ यदि हम लोग केमिकल्स के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर अंकुश लगा दें हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारे को कोई भी मीट नहीं कर सकता। और हमारा वापस पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ भी कुछ बासमती राइस की कहीं कुछ इलाकों में कमी आई है इस वजह से, वो हम इमीडिएटली अचीव कर लेंगे पहले आने वाले 1 साल के अंदर ही। बंगाल, ये माफ़ कीजिएगा, आपके जो आपका बंगाल की तरफ से कुछ इस तरीके की खबरें भी निकल करके आई थी, और जो आपके अदर कंट्रीज़ हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनका ये कहना है कि 5-1 लाख टन की जो वाइट राइस की डिमांड उनकी तरफ से की गई है, उसको किस नज़र से देखते हैं? और अभी 1,70,000 मीट्रिक टन के आसपास उसको एक्सपोर्ट भी किया गया, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, आप इसको ये देखते हैं कि भी बंगाल के लिए, बंगाल के अंदर ऑलरेडी राइस की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर तो एक्सपोर्ट करते हैं लोग बंगाल से जी। आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश की जी। तो बांग्लादेश जो है इसकी रेगुलर डिमांड रहती है, हर साल ही इंपोर्ट करता है, क्योंकि उनके यहाँ एक राइस जो है मेन फूड है। बांग्लादेश के अंदर 3 टाइम राइस खाया जाता है, उनकी उतनी पैदावार नहीं है। और ये 1,70,000 टन पीछे भी दिया गया, और पीछे उसे कुछ महीने पहले 2 लाख टन एक गया, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, आपस में लेते रहेंगे और चलता रहेगा जी। जब सरकार खुद एक्सपोर्ट कर रही है अपने मित्र देशों को, तो उसको ट्रेडर्स के लिए फ्री छोड़ने में क्या दिक्कत है? मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसको फ्री करना चाहिए, और फ्री ट्रेड के अंदर इसको यदि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में किया जाए, तो सभी एक्सपोर्टर्स उस कंट्री के अंदर फ्री हैंड कर दिया जाए इतना कोटा। सपोज एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए कोटा दिया जाता है, लाइक इंडोनेशिया को 2 लाख टन 100% ब्रोकन का कोटा दिया गया, तो उसको कर दिया जाए भी कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है उस कंट्री में। एक पाबंदी ना की जाए दोनों एंड से, एक एपीडा जैसे एक पुराने जमाने में होता था, एक सिस्टम था कि एपीडा में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, वो मॉनिटरिंग कमेटी होगी, वो एक सर्टिफिकेट इशू करे और उसके हिसाब से लोग एक्सपोर्ट करें। यदि ऐसा कर दिया जाए तो एक फ्री हैंड मिलेगा सभी को काम करने के लिए। और आज भी वैसे तो सेम ही प्रोसीजर है, पर वो टेंडरिंग सिस्टम है और लॉन्ग प्रोसेस है, तो गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास में इसका काफ़ी एक लंबा प्रोसेस चला जाता है, या आप समझ लीजिए कोश बढ़ जाती है। तो इसको ना करके दिए, एक वो पुराने पैटर्न पर कर दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा, हम तो स्वागत करेंगे इस चीज का गवर्नमेंट से। एक आखिरी सवाल, चूंकि मार्केट टाइम्स के दर्शक अक्सर ये जानना चाहते हैं कि प्राइस क्या रहने वाला है, एक प्राइस फोरकास्टिंग, एक प्राइस डिस्कवरी, उस प्राइस डिस्कवरी को लेकर के मेरा ये सवाल है, बासमती को आप बॉटम क्या देखते हैं और ऊपर एंड पर क्या देखते हैं, 11-21 बॉटम क्या देखते हैं, ऊपर एंड पे क्या देखते हैं, और 1509 बॉटम क्या देखते हैं और ऊपर में क्या देखते हैं? ठीक है, मैं ओवरऑल बात करें पैडी के ऊपर जी, तो पैडी के दाम जो हैं 1509 के, आपने 3 साल पहले देखे होंगे 30 रुपये किलो बिक गए थे जी।
और एक दफ़ा तो ये जो हल्की क्वालिटी की पैडी होती है सेला क्वालिटी बोलते हैं, तो 11-21 की वो 20-22 रुपए सीधा परमल के दाम पर बिक रही थी, तो वो दाम तो मैं नहीं समझता कि दोबारा से आएंगे। पर इस साल हम ये देखते हैं कि ये 11-21 की जो पैडी है 28 रुपए से लेकर 11-21 नहीं मैं सॉरी कहना चाहूँगा 15-09 28 रुपये और 30 रुपये से लेकर 40 के बीच में रहनी चाहिए, और 15-09 की 11-21 की जो पैडी की प्राइसेस हैं आप 42 रुपये से लेकर और 40 रुपये नीचे में बॉटम एक दफ़ा टच करेंगे और उसके बाद ये 50 और 40 के बीच में चलते रहेंगे, यानी 4000 से 5000 रुपये का फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस मिल सकता है, कोई बहुत ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अग्रक साहब, आपने ये समय दिया, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी सवालों के जवाब भी मिले होंगे और करंट सिनेरियो चावल को लेकर के क्या लगता है और आने वाला समय कैसा रहेगा, इन सारी बातों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।